बताइए कि आपकी पहले बात क्या हुई राहुल गांधी से और आपका क्या दृष्टिकोण है इस दौरे पे। हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये जो दौरा हुआ है, इसमें पहले जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे करते थे और अब जो ये दौरा कर रहे हैं, उसमें काफी अंतर आ गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता और कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद में जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। कल हंटर कॉलेज में जो यहाँ के प्रमुख बुद्धिजीवी हैं और प्रोफेसर एकेडमिशियंस हैं, उनकी और राहुल गांधी का करीब 2.5 घंटे तक एक संवाद हुआ था, जो कि बंद कमरे में था, और ये तय किया गया था कि उसको सार्वजनिक रूप नहीं जाहिर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसमें लोगों ने भागीदारी की और राहुल गांधी ने अपनी बात कही, वो मुझे लगता है कि उनके लिए एक जो बुद्धिजीवियों का और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का और कला जगत से जो जुड़े हैं, उनसे एक तरीके से उनको काफी उनको आशाएं लगी हैं और वे काफी प्रभावित हुए हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने इस बार 3 इलाकों में अपनी सभाएं की। स्टैनफोर्ड में, जो कि आप कहिए कि सोचिए कि अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है, और ईस्ट कोस्ट जो कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, तो उनकी स्टैनफोर्ड में बहुत ही एक खचाखच भरी सभा हुई थी, जिसकी चर्चा भारत में भी मैंने सुना है काफी हुई है। और जो वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल उनके जर्नलिस्टों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हुई थी। और आज अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके कुछ ही देर बाद उनकी एक बहुत बड़ी सभा होगी, जो कि एक सार्वजनिक सभा है। जिस तरीके से सभाएं मोदी करते थे, उसी तरह की बराबरी की, और सभा जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगी। और इसके पहले अभी उन्होंने आज दोपहर में लंच जो है, वो जो बहुत यहाँ की सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनैलिटी जो कला जगत से, फिल्म जगत से, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ में उनका मैनहट्टन में ही लंच हुआ। और कल रात को उन्होंने जो क्वींस करके, जो यहाँ पे जहाँ पे कि एशियाई भारतीय मूल के काफी लोग रहते हैं, उनके नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक एक दावत थी, जिसमें कि उन्होंने शिरकत की थी। और तो इस तरीके से राहुल गांधी का ये अभी थोड़ी देर में जो कार्यक्रम होगा, ये आखिरी कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम के बाद वो वापस हिंदुस्तान लौट जाएंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये जो हो रहे हैं, इसमें एक तो बुद्धिजीवियों की और कलाकारों की, और साथ ही साथ जो एनआरआई, जो कि काफी युवा एनआरआई है, उनमें राहुल गांधी के लिए बहुत आकर्षण है। और दक्षिण के जो टेक्नोलॉजी में, साइंस में जो लोग हिंदुस्तान से यहाँ पर आए हैं, वो उनसे काफी आकर्षित हो रहे हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ने एक तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसके बाद में उन्होंने जो यहाँ पर आकर एक दुनिया में को ये बताया है कि किस तरीके की एक जो भारत में जो नफरत का समाज बन रहा था, उसको प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने एक प्रेम की दुकान खोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में उनको भारत यात्रा की सफलता का एक डिविडेंट मिला है, उसी तरीके से दुनिया भर में फिर से जो गांधी के रास्ते पे वो चलने की का जो उन्होंने निर्णय किया है, क्योंकि कल जो उन्होंने जो अपनी बात कही, जिसके कुछ अंश मैंने अभी आपके डीबी के
संवाददाता को भी भेजे हैं, अगर वो चाहें तो उसको चला भी सकते हैं, क्योंकि वो एक रेयर फुटेज है और मैंने अनुमति लेके ये कहा है कि आप वो दिखा सकते हैं। तो जी वो वीडियो है और मुझे लगता है कि वो एक शायद डीवी पहला एक चैनल होगा जो कि इस वीडियो को दिखा सकता है। इसमें राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में फेयर जो चुनाव होंगे वो किस तरीके के होंगे, लोगों को लगेगा फेयर हुए हैं लेकिन वो असल में होंगे नहीं। तो लोकतंत्र को बचाने की मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अमरीकी यात्रा है ये 2024 के पहले जो लोकतंत्र की जो अंतिम सांसें भारत ले रहा है ऐसा लोगों को लग रहा है, उसका एक तरीके से उसको पुनर्जीवित करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जिसको कि जिनकी की अभी एक सरकारी यात्रा होने वाली है जिसमें काफी वो हथियार फरोख खरीद के अमेरिकी प्रशासन को अपनी जो सरकारी ताकत है वो दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो इस बार जो अपनी ताकत दिखाई है वो जन लोकप्रियता की ताकत है। और ये मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है कि ये एक बड़ी सफलता है। मैं अपने पाठकों आपके श्रोताओं को एक सूची दिखाऊंगा जो कि या पढ़ दूंगा जो कल जो बुद्धिजीवी जो कि प्रमुख बुद्धिजीवी जिन्होंने राहुल गांधी से संवाद किया था और जो मनु भगवान करके जो कि हंटर कॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उनका ये घर था और जहां पे वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में राहुल गांधी ने लोगों से संवाद किया 50 बुद्धिजीवियों से। सब बुद्धिजीवी जो थे वो कौन क्या है उसको सब आमंत्रित थे, कोई इसमें इस तरीके के लोगों को नहीं बुलाया गया था कि जो कि राहुल गांधी से अनजान थे या वो क्या नहीं कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं जैसे आपको मैं बताऊंगा कि मनीरा अलवा थी जो कि अभी मिसेस क्लिंटन अमेरिका की जो बहुत बड़े जो वाइटल वॉइसेस ग्लोबल के में वो सीनियर लीडरशिप टीम की सदस्य हैं। डॉक्टर पार्था बनर्जी हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। करुणा बसु हैं जो थी और इस तरीके से बहुत सारे मैं देखता हूँ कि इसमें ऐसे बुद्धिजीवी थे जो कि जैसे नवीना हैदर हैं जो कि सलमान हैदर की लड़की हैं और यहाँ का जो इस्लामिक जो सबसे बड़ा अमेरिका में म्यूजियम है दी मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम उसकी वो डायरेक्टर जनरल है। और इसी तरीके से किरण देसाई जो कि बहुत बड़ी लेखिका हैं जिनकी अनुवाद अंग्रेजी के उपन्यास काफी लोकप्रिय वो थे। रघु कर्नाड थे जिन्होंने की वायर के जो फाउंडर एडिटर्स हैं उनमें से थे। तो भारत के और अमिताभ कुमार थे जो कि उसमें आए थे। डेविड लेविट थे, इसी तरीके से रजिया थी जो कि बोस्टन में एक टीवी चैनल चलाती हैं। तो और तो इस तरीके के बहुत सारे बुद्धिजीवियों से जब राहुल गांधी ने संवाद किया तो ये संवाद जो था इसमें उदय मेहता भी थे जो गांधी जी पे एक किताब लिख रहे हैं वो प्रोफेसर हैं। और जगत मेहता जो भारत के विदेश सचिव रहे हैं सब उदयपुर में जो रहते थे उनके वो पुत्र हैं। तो ये एक तरीके से जो समागम था ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति के बारे में अमेरिका के लोगों को बताना और लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी ने मैंने कल पहली बार उनको सुना कि उन्होंने कहा कि मेरा जो एक सामना है एक मॉन्स्टर से हो रहा है। जैसे कि प्रशांत जी ने कहा था कि जो कि पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने हिंदी अनुवाद नमूना किया था जो एक राहुल जो मोदी जी का किए कैसे क्या। तो कल जब उन्होंने उनको मॉन्स्टर कहा और बताया कि कैसे हम और आरएसएस के बारे में भी उन्होंने काफी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो था वो पहले भारतीय जनता पार्टी का मूल स्रोत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी
एक आरएसएस बनियों से या छोटे महाजनों से चंदा इकट्ठा करती थी और अपना आजीविका चलाती थी, लेकिन प्रमोद महाजन जब आए और उन्होंने किस तरीके से आरएसएस को फंडिंग किया, उसके बाद में आरएसएस का चरित्र बदल गया। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस एकदम इतनी ताकत में आ गया कि भारत के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट थे उनको लगने लगा कि हम आरएसएस के जरिए अपनी बात करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। तो उन्होंने और कल जो सारी ज्यादा चर्चा हुई वो कैसे भारत यात्रा में भाषा के स्तर पे, कैसे प्रेम के स्तर पे, उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो खुद कभी अपनी गलती नहीं स्वीकार करता, वो गलती के लिए दूसरों को दोषारोपण करता है और कहता है कि तुम्हारी जो असफलता हुई है, तुम जो कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये अमुक अमुक के कारण हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पे सबसे बड़े ही सहज रूप से मिले और हर एक के सवाल के उन्होंने जवाब दिए। और वो आए थे, सैम पैट्रोदा थे जो कि उनके पिताजी के भी दोस्त हैं, वो काफी वर्षों तक उनके परिवार के मित्र रहे हैं और विदेशों में जो भारत के इसमें जो आप देख रहे हैं ये कर्नाट है और ये जो महिला जो दिख रही हैं ये हंटर कॉलेज की प्रशासिका है, ये एक फिल्म निर्माता और बुद्धिजीवी है रुचिरा गुप्ता, जिन्होंने इसमें को इसमें थी, जिन्होंने राहुल गांधी का परिचय भी दिया था और ये भी कहा कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ने भारत की राजनीति को बदल दिया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सटेंशन था, ये जो यात्रा हुई है इस बार की अमेरिका की यात्रा, वो काफी एक ऊर्जा वाली एक यात्रा थी जिसमें कि राहुल गांधी ने एक अपने एक नए जो उनकी छवि बनी है, जो प्रतिभा निकली है, मेरा ख्याल है आप इस भाषण को शायद सुन भी सकते हैं या अगर वो बोलेंगे तो आपको सुना भी सकते हैं।